शिवाजी जयंती पर सोमवार को शहर में कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहर के पूर्व और पश्चिम क्षेत्र से कई शोभायात्राएं शिवाजी प्रतिमा पहुंची। यहां मराठा समाज सहित विभिन्न संगठनों ने शिवाजी प्रतिमा का माल्यार्पण किया। बीते वर्षों की तुलना में इस साल वाहन रैली में महिलाएं भी काफी तादाद में शामिल हुई। शिवाजी जयंती पर कनकेश्वरी ग्राउंड से यात्रा मालवा मेल वायन रोड होकर शिवाजी वाटिका पहुंची। कार्यक्रम में करीब 2000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसमें बाइक पर सवार होकर शिवाजी के जय घोष के साथ रैली निकाली गई। रैली के कारण मालवा मेल चौराहे और BRTS पर जाम के हालत बने। यही है कि हिंदू स्वराज्य का जो सपना उन्होंने देखा था वो हर हिंदू आज यहाँ पे मौजूद था। और इसके इस छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के निमित्त में हम जत्रा 23, 24 और 25 फरवरी को जत्रा मेला लगा हुआ है। मराठी व्यंजनों का वहाँ पे स्टॉल लगेंगे और फूड जोन और ट्रेड जोन भी रहेगा। सालाना होने वाली मां कनकेश्वरी क्रिकेट टूर्नामेंट का रविवार को आगाज हुआ। इस बार खिताबी मुकाबले व ग्रेड की 20 से ज्यादा टीमें हिस्सा ले रही हैं। स्पर्धा में विजेता और उपविजेता टीमों के लाखों के नगद पुरस्कार रखे गए थे। स्पर्धा का समापन 1 मार्च को पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न होगा। ये मैच टूर्नामेंट जो है ना आज स्टार्ट हुआ है और ये 4 तारीख तक कंटिन्यू चलेगा। डेली 2 मैच होते हैं, एक सुबह 9 बजे होता है, दूसरा 1:30 बजे। खेला काफी अच्छे प्राइज भी रखा है इस बार। हाँ, प्राइज लास्ट ईयर भी अच्छे थे, इस बार भी अच्छे हैं। और हमारा मकसद तो यही है कि युवा हर हाल में आगे बढ़ने चाहिए। आज हमारे संभाग के लिए खेल रहे हैं, कल प्रदेश के लिए, परसों देश के लिए खेलेंगे। बस वही कोशिश करते हुए हम लोगों के द्वारा ये कार्यक्रम किया जाता है। पिछले कई महीनों से मध्य प्रदेश वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी सातवें वेतन माह सहित कई मांगों को लेकर सरकार से चर्चा करते आ रहे हैं, बावजूद जिसके शासन ने इन मांगों पर अब तक ध्यान नहीं दिया है। इस बात के विरोध में अधिकारियों ने सोमवार से काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दिए। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी अधिकारियों ने एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रभारी और वित्त मंत्री से मुलाकात की थी। इस दौरान मंत्री ने जल्द ही मांगों के निराकरण की बात कही थी। बावजूद इसके सरकार अब तक इस मामले पर मौन है। अगर हड़ताल जारी रही तो प्रदेश भर में आने वाले 25% राजस्व प्रभावित होगा। पड़ेगा, हम भी उसका हिस्सा है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में हमारी वेतन में जो नुकसान हुआ है उससे शासन को क्या लेना देना हुआ है। ये सब कर्मचारी, इनके परिवार, आखिर ये भी तो मध्य प्रदेश शासन का आश्रित लोग ही हैं। हम किसी दूसरे शासन के, केंद्र शासन के या दूसरे राज्य के लोग नहीं हैं। हम पहले मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, मध्य प्रदेश का अधिकारी हैं। कितने लोग शामिल हैं इस हड़ताल में? इस पूरी हड़ताल में लगभग 1000 अधिकारी हैं, एग्जीक्यूटिव कैडर और राजनीतिक अधिकारियों के 1000 के करीब संख्या है। सिंधी युवा मोर्चा द्वारा 11 मार्च रविवार को विशाल बाइक रैली निकाली जाएगी। यह यात्रा चाणक्यपुरी द्वारकापुरी से प्रारंभ होकर मऊनाका होकर सिंधी कॉलोनी उद्यान पर समाप्त होगी। यात्रा की व्यापक तैयारी को लेकर लगातार बैठक आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में समाज जनों की एक बैठक नर्मदा मांगलिक भवन द्वारकापुरी में आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में युवा, वरिष्ठ और महिलाएं मौजूद थी। गौरतलब है कि गत वर्ष इस बाइक रैली को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था, जिसकी देश भर में सराहना की गई थी। आज हम द्वारकापुरी में मीटिंग करने आए थे। हम हर रविवार को मतलब अलग अलग एरिया में मीटिंग लेते हैं और सभी साथियों को जोड़ते हैं। महिलाएं बहुत सारे जोड़ती जा रही है और रैली चाणक्यपुरी चौराहे से 3:30 बजे 11 मार्च को निकलेगी और सिंधी कॉलोनी समापन होता है। तो इससे सभी एरिया सिंधी समाज के साथ जोड़ते हैं और हमारे सब साथियों का योगदान मिलता है। और एक इसमें ये भी साथ में रहता है कि ट्रैफिक संभालने के लिए हमारे साथी भी साथ में खड़े रहते हैं और पूरा सिंधी समाज हमारे साथ सहयोग करता है। उज्जैन यातायात थाने पर खड़े इन मासूमों को देखकर कहीं आप यही तो नहीं सोच रहे हैं कि इन्होंने किसी तरह के यातायात नियमों का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना भरने थाने पहुंचे। दरअसल थाने पर इतने सारे बच्चे देखकर हर कोई हैरान है। उज्जैन SP के आदेश पर ऑपरेशन पवित्र चलाया जा रहा है, जिसको लेकर एक निजी स्कूल के बच्चों को थाने पर बुलाया गया। नर्सरी से लेकर KG क्लास तक के बच्चों को थाने पर लाया गया था, जहां यातायात प्रभारी ने बच्चों को बैड टच गुड टच के बारे में समझाया। यह भी बताया कि कोई आपकी किसी तरह का लालच दे तो तुरंत अपने अभिभावकों को बताएं। साथ ही अगर बस का ड्राइवर तेज गति से गाड़ी चलाता है तो स्कूल में मैडम को बोलें। इसके साथ साथ अन्य यातायात संबंधित जानकारी भी साझा की गई। रेड से स्टॉप, येलो से रेडी, ग्रीन से गो। और आपको क्या दिखाया? क्या दिखाया? कैमरा। ये क्या करता है कैमरा? रिकॉर्डिंग करता है। आज की तारीख में बच्चों को ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बढ़ते रोड एक्सीडेंट्स की वजह से, जो बसेस में चीज़ हो रही है उनकी वजह से, ये सब बताना उन्हें बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज हम लाए हैं यहाँ पे बच्चों को, और मैम ने, मिसेस चौधरी मैम ने उन्हें बहुत अच्छे से बताया है अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। बच्चों के साथ में पेपी होके बताना बहुत ज़रूरी है, तो मैम ने उन्हें उन्हीं के लेवल से सब चीज़ों के बारे में बताया है। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू चौधरी मैम। ट्रैफिक एक ऐसा नियम कानून कायदे के अलावा एक हैबिट भी है,
और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का आदेश है कि जितना ज़्यादा हो सके बच्चों से बात की जाए कि दुर्घटनाएं कम करने में बच्चे भी हमारा हेल्प कर सकते हैं। हम कोई चीज़ रोज़ पब्लिक को समझाएंगे, उससे ज़्यादा अगर उनके बच्चे उनसे ये बात बोलेंगे तो उसका असर ज़्यादा जाएगा। दरअसल ये पानी में पाए जाने वाला जोंक जिसको उज्जैन धन्वंतरी अस्पताल के डॉक्टर ने नागपुर से अपने मरीजों के इलाज के लिए मंगवाया है। दरअसल जोंक पानी में रहता है और गंदा खून पीता है। डॉक्टर दीपक का मानना है कि गंदा खून पीने वाले इस जोंक को डिब्बे में बंद कर अस्पताल में रखा जाता है और जो भी खून से संबंधित कोई मरीज ऐसा आता है तो खून को निकाल लेने के लिए मरीज के शरीर पर एक चीरा लगा दिया जाता है। उसके बाद जोंक को मरीज के शरीर पर छोड़ दिया जाता है। करीब 10 मिनट तक जोंक खून पीता रहता है और इस तरह से जलों का इकाई की ये थेरेपी पूरी की जाती है। हालांकि इस तरह के आम मरीज तो कीड़े को देखकर घबरा भी जाते हैं, लेकिन मरीजों की माने तो ये थेरेपी कारगर है और इसका सफलतापूर्वक इलाज होता है। नहीं, पहले भी थोड़ा मेरे को हो गया था, ये थोड़ा सूज गई थी तो गांव में इसे इंजेक्शन से निकलवा लिया था, खून ब्लड वगैरह काला काला निकला था। फिर थोड़ी दवाई गोली चल रही थी जोशी सर की, तो उन्होंने दिया था, थोड़ा आराम था, वापस फिर ये हो गया, तो उन्होंने बोला था कि ऐसी आपको कराना पड़ेगी। अभी तो अब तो आराम लग रहा है। ये जो है जो ज्यादातर बीमारियों में यूज करता है, इसका काम क्या है, ब्लड को पतला करना, ठीक है ना। इसमें एक हीरोडिन नाम का एंजाइम होता है उसके सलाइवा में, जो कि वहां पे छोड़ती है, जिससे कि काटते वक्त वहां पर खून का थक्का नहीं जमता है। तो उसका काम है कि सर्कुलेशन ब्लड का जो है वो सही करना। तो मतलब जो नासूर हैं, जो घाव भर नहीं पा रहे हैं, या फिर ऐसी जगह पर जहां पर कि खून के थक्के जम हुए, जैसे कि वेरिकोस वेन, सिरा ग्रंथि बोलते हैं हिंदी में, तो ऐसी जगह पे जहां पे खून के थक्के जम गए हैं वहां पर ये बहुत फायदा करती है। उज्जैन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल मंदिर में शिवरात्रि से पहले शिव नवरात्रि के दौरान महाकाल मंदिर में अलग अलग रूप में दर्शन दिए थे, जिसमें कई श्रद्धालु रोजाना महाकाल मंदिर नहीं पहुंच पाए और कई मुखौटे के दर्शन नहीं कर पाए। ऐसे में आज महाकाल को 5 मुखौटे एक साथ पहनाए गए ताकि एक ही समय में महाकाल के 5 रूप एक साथ देखे जा सके। मान्यता है कि ऐसे लोग जो शिव नवरात्रि में दर्शन नहीं करने आ पाते, वे अगर बाबा महाकाल के 5 मुखौटा श्रृंगार के दर्शन कर लेते हैं, उन्हें शिव नवरात्रि के सभी दर्शनों का फल मिलता है। भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं। एकानंद, चतुरानंद, पंचानंद, राधे, भगवान शिव के 5 मुखारविंद हैं। अलग अलग दिशाओं में भगवान शिव के अलग अलग मुखारविंद हैं। इसी रूप के अंदर भगवान शिव नवरात्रि के अंदर भक्तों को रोज नित्य दर्शन देते हैं, किंतु आज के दिन समस्त स्वरूप भगवान शिव के एक साथ विराजमान है। आज के दर्शन करने से ही समस्त प्रकार के शिव नवरात्रि महोत्सव का जो पुण्य है वो भक्त लोगों को मिलता है। जय महाकाल। बुरहानपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर केंद्र व मध्य प्रदेश शासन संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में गुरु गोविंद सिंह की 350वीं जयंती पर एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में गुरु गोविंद सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन परिचय और बलिदान पर आधारित झांकियां शामिल की गई। वहीं महाराष्ट्र के कलाकारों का शिव ब्रह्मांड बैंड मुख्य आकर्षक का केंद्र रहा। शोभा यात्रा में महिला बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस ने छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जीजा माता की तर्ज पर वस्त्र धारण कर शोभा यात्रा में शामिल होकर सबको चौंका दिया। चिटनीत से जब पूछा गया कि उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजा माता की तर्ज पर वस्त्र धारण क्यों किए, तो उन्होंने कहा, अगर मां कौशल्या होगी तो बेटे राम बनेंगे, अगर मां यशोदा होगी तो बेटे कृष्ण बनेंगे, और जब माताएं ही जीजा माता बनेगी तभी बेटे छत्रपति शिवाजी बनेंगे। मां कौशल्या होगी तो पुत्र राम, मां यशोदा होगी तो पुत्र कृष्ण होगी, मां जीजा होगी छत्रपति शिवाजी महाराज हो, और माँ अगर पंजाब माता होगी तो पुत्र भगत सिंह होंगे, माँ जैसी होगी। राधा कृष्ण ने कहा है, द हैंड दैट ड्रॉप्स द पैडल मूव द वर्ल्ड, जो हाथ पालने को छुपा देता है वह हाथ पिता का प्रचारक करता है। तो माँ संसार कैसा होगा, संसार कैसा है, उसको जीवित धारण करने वाली माँ है। बुरहानपुर जिले की जीवन रेखा ताप्ती नदी पर बना पुल जो एक ओर से क्षतिग्रस्त हो चुका था और तोर पुल पर लगी लगभग 200 किलोग्राम वजन की लोहे की चादरों ने भी अपना जवाब दे दिया था, जिसकी वजह से कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी थी। जिम्मेदार अधिकारियों को कई बार इसकी शिकायत भी की थी। इन शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए आज मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक श्रीमती अर्चना चिटनिस ने ताप्ती नदी पर बने इस पुल का निरीक्षण किया और जिम्मेदार अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। यह सब देखकर अधिकारी हरकत में आ गए और मंत्री जी को जल्द से जल्द पुल की मरम्मत का आश्वासन दिया। एक्चुअली ये ब्रिज जो है मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के कार्य क्षेत्र में आता है और इसके बारे में अभी हाल जैसा आपने देखा होगा, मंत्री महोदय के भी और मेरे भी सड़क विकास निगम के डिवीजन में ये बात हुई और टेक्निकल टीम आएगी
तो वो इसका एक गहन निरीक्षण करेगी और इसकी रिपोर्ट बना के और जो भी संभावित रेक्टिफिकेशन या जो भी होगा तो वो सजेस्ट। इंटरेस्टेड ब्रिज है ये, हमारे जिले की आधी आबादी लगभग इस ब्रिज के उस तरफ रहती है, तो इस ब्रिज पर अटेंशन हम सबका है और प्रशासनिक अधिकारी भी इस पर तवज्जो दे रहे हैं। आपके सामने भी मैंने इस साइट पर खड़े होकर उसके फोटोग्राफ भी भेजे, बात भी करी और कल ही MPRDC की टेक्निकल टीम जो ब्रिजेस के संबंध में जानते हैं वे आएंगे और ई ब्रिज कॉरपोरेशन भी उनको अपनी तकनीकी रिपोर्ट देंगे। रविवार को आगर मालवा में PSC परीक्षा सेंटर उत्कृष्ट स्कूल दरबार कोठी के कक्ष क्रमांक 2 में दोपहर 3 बजे लगभग परीक्षा दे रहे छात्र राजेश प्रजापति पर छत के प्लास्टर का बड़ा भाग टूटकर गिरा, जिसके कारण बड़ा हादसा होते होते टला। वहीं उत्कृष्ट स्कूल के प्रिंसिपल KP नायर से बात करने पर उन्होंने बड़ी सरलता से कह दिया कि छोटा सा क्रैक गिरा है। बिल्डिंग के मेंटेनेंस के विषय में पूछा तो प्रिंसिपल नायक ने बताया कि बिल्डिंग पुरानी, मेंटेनेंस नहीं हुआ है। स्कूल प्रबंधन ने इस लापरवाही के विषय में आगर मालवा जिले के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी OP सिंह तोमर ने बताया कि आवश्यक चीजों के लिए प्रिंसिपल जिम्मेदार होता है, प्रबंधन हेतु राशि आती रहती है, उत्कृष्ट स्कूल के लिए अलग से भी राशि आती है, PTA की बैठक बुलाकर भी आवश्यक कार्य कराया जा सकता है, कई सारे लोकल फंड भी होते हैं जिनका उपयोग भी जरूरी कार्यों के लिए किया जा सकता है। MPBSC की प्री एग्जाम हो रही थी, इसमें सेकंड शिफ्ट में 3 बजे एक्सीलेंस स्कूल दरबार कोठी में कक्ष क्रमांक 2 में गेट के समीप में बैठा हुआ था और वहाँ पे अचानक से ऊपर लेंटर से करीबन 2 से 3 फीट का ब्लास्टर गया, वजन 5 से 6 किलो का, इसमें 2 से 3 किलो का पीस करीबन मेरे कंधे का आगे गिरा और मुझे मूल चोट लगी, उसका मैं टेस्ट के लिए जाना हुआ। शाहपुरा आदिवासी बाहुल्य जिला डिंडोरी में शाहपुरा थाना अंतर्गत रविवार के दिन पुलिस ने 2 लोगों से 44 बमों का जखीरा बरामद किया है। शाहपुरा पुलिस की सूझबूझ से यह पहला मौका है जिसमें एक साथ 44 बम बरामद किए गए हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक शाहपुरा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शाहपुरा थाना अंतर्गत पंडरिया गाँव में निवासी बहेलिया के पास बम होने की सूचना पर रविवार के दिन टीम गठित कर ग्राम संचोली गांव के पास मंजित पिता देवल बहेलिया और मचोले पिता पाटा मंडी क्रमक 23 और 21 जिंदा बम बरामद कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बमों का जखीरा मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 18 फरवरी 2018 को सिवनी जिले के ग्राम मोह गांव में ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों को देखा और प्रभावित किसानों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार संकट की इस घड़ी में किसानों के साथ खड़ी है, किसानों को जो कुछ भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई प्रदेश सरकार करेगी। प्रदेश सरकार ने किसानों को दी जाने वाली राहत राशि 15,000 प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 30,000 प्रति हेक्टेयर कर दी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रभावित किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिलाया जाएगा, प्रभावित किसानों का कर्ज वसूली को स्थगित करने और उनका ब्याज माफ करने का निर्णय लिया गया है। मैंने किसानों को ये कहा है कि आप चिंता न करें, संकट बड़ा है और दर्द भी इसका भयानक है, क्योंकि अगर फसलों के दाने बिखरते हैं तो किसान की जिंदगी भी बिखरती है। लेकिन हमने तय किया है कि संकट के पार किसान को निकाल के ले जाएंगे और सिद्धांत मैंने तय किया है कि जितना नुकसान हुआ है लगभग उतनी भरपाई किसान की हो जाए तो उसका साल ठीक से निकल जाएगा। जगतपुर वन ग्राम में चीतल के मांस का दावा तोड़ाने वन विभाग की टीम ने 10 शिकारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए शिकारियों से पूछताछ में पता चला है कि उन्होंने एक खेत में सेंटरिंग के तार का फंदा बनाकर चीतल को पकड़ा था और उसे मारकर दावा तोड़ाई जा रही थी। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और चीतल के पके हुए मांस को बरामद कर 10 शिकारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। डिंडोरी जिले भर में आज से स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं बाधित हो जाएंगी। दरअसल संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के लगभग 400 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। संविदा संवर्ग कर्मचारी की हड़ताल से 7 CSC, 22 PSC और 119 SSC के अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभावित होंगे। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने नियमितीकरण और संविलियन के अलावा निष्कासित संविदा संवर्ग कर्मचारी की वापसी की मांग को लेकर हड़ताल शुरू की है। अगर जल्दी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त करने की ठोस पहल नहीं होती तो इसका सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ेगा। आज
पूरे प्रदेश भर में 51 जिलों में समस्त स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी एकत्र हो गए हैं अलग अलग जिलों में अपनी मांगों को लेकर। हमारी मुख्य दो मांगे हैं, एक तो नियमितीकरण और दूसरा हमारे निष्काल सदस्यों का वापसी, क्योंकि ये बहुत साल से हम लोग देख रहे हैं कि सरकार हमारी बातों को अनसुना कर रही है और हम लोग लगातार शोषित होते जा रहे हैं। अब हम लोग आक्रोश में आ गए हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में, जैसे जैसे हमारा स्टेट लेवल का नेतृत्व तो कहा जाएगा जिसके द्वारा उसी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे।